very very good morning class 8 how are you all i hope all are fine uh, chalye, in this class we are going to study more about the slums health in the indian slums Hai na? ओके, सो द हॉस्पिटल्स ग्रोथ फ्रॉम अ फिफ्टी बेड फैसिलिटी इन इट्स इन फैंसी इन द नाइनटीन फिफ्टीज टू अ फोटीन हंड्रेड बेड फैसिलिटी टूडे टेल्स अ स्टोरी अबाउट इट्स सराउंडिंग एरिया डेट डिकेट्स ऑफ सेंसस निगलेक्ट है फेल्ड टू रिकॉर्ड अब देखें कि ये क्या होता था कि जो पचास बेड फैसिलिटीज पचास बेड की सुविधा जो थी हॉस्पिटल वो ग्रोथ करके और इन इन इट्स इनफैंसी इन द उन्नीस इन नाइनटीन 1950 के इस समय में ये बढ़ कर के क्या हो गया 1400 बेड फैसिलिटी आज के समय में ठीक है टेल्स स्टोरी अबाउट इट्स सराउंडिंग एरिया और इसकी सराउंडिंग एरिया आपको बताता है दैट डिकेट्स ऑफ सेंसस निगलेक्ट हैव फेल्ड टू रिकॉर्ड और उस समय का ये जो सेंसस था ठीक है जनगणना थी वो निगलेक्ट हो गई फेल्ड हो गई रिकॉर्ड करने के लिए ठीक है अब देखते हैं थोड़ा डॉक्टर अर्मिदा फर्नान्डिस का यहाँ पे रोल डॉक्टर अर्मिदा फर्नाडीज़ हैज़ वर्कड एट द हॉस्पिटल फॉर ट्वेंटी फाइव ईयर्स एज अ पैनियर ऑफ न्यू नटल न्यू नटल मीन्स क्या होता है जो शिशु होते हैं जो न्यूबर्न चाइल्ड होते हैं उनसे ये रिलेटेड होता है न्यू नटल ठीक है तो पच्चीस साल जो है पायनियर के तौर पे ये न्यूनटल केयर एंड इवेंचुअली द डीन और डीन के तौर पे भी इन्होंने काम किया इन द सेवेंटीज़ मेडिकल स्टाफ एट सियोन सौ वन लाख पेशेंट्स अ मंथ और सत्तर के दशक में ठीक है मेडिकल स्टाफ सियोन में तकरीबन एक लाख पेशेंट को एक महीने में या फिर मोर देन थ्री थाउजेंड सिक्स पीपल अ डे ठीक है पर्शन वेयर पेशेंट्स वेयर एवरी वेयर शी रिकॉल्स ऑफ हर अर्ली डेज और याद कर रही हैं ये अर्मिडा फर्नांडिस अपने पुराने समय को ठीक है दे लाइंड द हॉलवेज वार्ड्स एंड इमरजेंसी रूम इमरजेंसी रूम वार्ड्स हॉलवे में वो काफ़ी लाइन लगाते थे मैनी केम विथ सीरियस कंडीशन एंड इन्फेक्शंस और बहुत सारे ऐसे गंभीर अवस्था में आते थे या फिर इन्फेक्शन से ओफन प्रिवेंटेबल विथ वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीनेशन ठीक है उसके उनको जो है वैक्सीनेशन के माध्यम से टीका के माध्यम से काफ़ी उनको बार कई बार जो है प्रिवेंट कर दिया जाता था एंड मोर नॉलेज अबाउट हाइजीन एंड मटरनल एंड न्यूनटल केयर ठीक है और इनके पास काफ़ी जो है जानकारी रहती थी उन शिशुओं को लेकर के ठीक है शिशुओं के बारे में काफ़ी जानकारी रहती थी और चिल्ड्रन स्पेशली वर डाइंग अननेसेसरी एंड इन ड्रॉप्स ठीक है ड्रॉप्स मतलब होता है कि लार्ज नंबर्स में बहुत ज़्यादा संख्या में बच्चे जो है स्पेशली वर डाइंग अननेसेसरली ठीक है बिना आव... अनावश्यक जो है वो लार्ज संख्या में बच्चे मर रहे थे बेबीज केम विथ टेटनस आफ्टर डिलीवरिंग कंडक्टेड होम गैस्ट्रोनेट्रिट्स ठीक है बेबीज जो है आते थे टेटनस से डिलीवरी के बाद ठीक है होम गैस्ट्रोनेट्रिट्स के फ्रॉम वाटर बोर्न डिसजेस एंड इवन मिजल्स मिजिल से या फिर वाटर बोन डिस से वो प्रभावित रहते थे ठीक है बच्चों और सम ऑफ दोज डेट्स स्टिल हॉन्ट द फॉर्मर डीन ठीक है वो क्या होता था कि फॉर्मर डिन जो थे उनको जो डेथ थे कभी कभी चुपता था एंड हैव बीन मोटिवेटिंग फोर्स फोर्सेस इन अ करियर स्पेंड पुशिंग फॉर एडवांसेस इन पब्लिक हेल्थ केयर इन इंडिया ठीक है लेकिन फिर भी जो है वो मोटिवेट करती थी या फिर फोर्स करियर अपने करियर स्पेंट को लेकर के बड़ा वो पब्लिकली uh, चिंतित रहती थी वन ऑफ़ दोज डेथ वॉज ऑफ अ लिटिल गर्ल केम टू हॉस्पिटल विथ सीरियस ब्रीथिंग इशू और एक बार की बात है कि वो एक छोटी uh, मतलब कि एक छोटी बच्ची आई ठीक है मोटिवेटिंग डेथ मोटिवेटिंग डेथ था वो uh, वो आई थी हॉस्पिटल और उसको सांस की प्रॉब्लम थी शी नीडेड अ वेंटिलेटर बट देयर वॉज ओनली वन इन द एंटायर कम्प्लेक्स और पूरे कम्प्लेक्स में सिर्फ एक ही वेंटिलेटर था लेकिन अगेंस्ट प्रोटोकॉल तो ठीक है मतलब प्रोटोकॉल मीन्स होता है जो ऑफिशियल प्रोसीजर होता है उसको बिना ध्यान रखते हुए ठीक है तो अगेंस्ट प्रोटोकॉल फर्नांडेज रश टू द इमरजेंसी रूम एंड टुक अवे द सोल ब्रीदिंग डिवाइस आई वॉन्टेड टू सी हर लाइफ आई ब्रोक द रूल्स मेनी टाइम्स टू सेफ सम्स लाइफ और ये क्या की कि प्रोटोकॉल तोड़ते हुए वो उस वेंटिलेटर को एक ही था उसको दौड़ करके ले आई और कही कि मैं इसको जिंदा देखना चाहती हूँ तो कई बार ये रूल्स तोड़ी अपने लाइफ में ठीक है किसी की लाइफ बचाने के लिए क्लियर है ब्रेकिंग ट्रेडिशन बिगेन विद वर्नांडीज वॉज इन स्कूल तो इनके पास एक ट्रेडिशन था इनका एक आ, कह सकते हैं कि मन था जब ये फर्नांडीज स्कूल में थी और फादर वॉज अ प्रोफेसर ऑफ लिटरेचर उनके पिताजी ठीक है लिटरेचर यानी कि वो साहित्य के आ, प्रोफेसर थे एंड द चिल्ड्रन वर इनक्रेज टू एक्सप्लोर द आर्ट्स और चिल्ड्रन को काफ़ी एक्सप्लोर किया जाता था आर्ट्स के लिए स्टडिंग साइंस वजट एंड एंडवेयर ऑफ़ द माइंड और इनके दिमाग में कभी ख्याल नहीं आया साइंस को लेकर के एंड द फैमिली अपोज हर मेडिकल रूट फॉर ईयर्स ठीक है मेडिकल रूट अपोज किया मतलब विरोध किया नेवर डेड दे इमेजिन हर मूविंग फ्रॉम द स्मॉल ग्रीन सिटी इन कर्नाटका टू वर्क इन पब्लिक वर्क ऑफ मुंबई नोटोडियस इस्लाम और कभी नहीं चाहते थे कि कर्नाटका के ग्रीन सिटी को छोड़ करके ये मुंबई के नोटोडियस जो कि झोपड़ियों में जा कर के काम करें बट द लैक ऑफ सपोर्ट नेवर डिटर्ड फर्नाडीज कभी एट द अंडर रिसोर्स हॉस्पिटल ब्रेकिंग रूल्स एंड ट्रेडिशंस हेल्प एक्सपैंड एंड मॉडर्नाइज The public facility for the city's poorest. Some measures which have been replicated around India. ठीक है तो अपने आप को वो एक मन बना लेती कि मैं इसमें काम करूँगी और काफ़ी मेहनत की और उसके बाद की पब्लिक पाप्लिक फैसिलिटीज़ को देने के लिए या फिर मॉडर्नाइज करने के लिए या फिर एक्सपेंड करने के लिए काफ़ी वो सिटी का जो पोरेस्ट जगह था उसको चूज़ की सम मेजर्स विच हैव बीन रेप्लिकेटेड अराउंड इंडिया ठीक है और कुछ ऐसे जगहों पे भी गई जहाँ पे जो है इन, इंडिया में कई जगहों पे जिस तरह से स्लम जैसे एरिया थे वहाँ पे भी इन्होंने काम किया ठीक है तो इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस चैप्टर ओके सो आई होप कि जितना आपने पढ़ा होगा उतना आप सीखे होंगे और इसका आप लोग डायरी में नोट करते जाइए जितने भी वर्ड्स मीनिंग हैं इंग्लिश में क्योंकि वर्ड मीनिंग से क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे तो कम चार चार ठो चार चार ठो आ रहे हैं तो उसको याद कर जाइए ओके सो वी आर गोइंग टू स्टडी मोर अबाउट दिस चैप्टर इन फर्दर क्लास ओके सो दैट्स ऑल फॉर टूडेज क्लास थैंक यू